नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मूली के पराठे, भरे हुए फूले फूले पराठे मूली के, एकदम टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मूली हमने कद्दूकस कर दिया है, इसको निचोड़ के हमने रख दिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे धनिया मिर्ची। तो इसमें हम मिलाएंगे ऊपर से धनिया, हरी धनिया हमने काट के रखा था, थोड़ा सा मिलाएंगे हरी मिर्च और थोड़ा हमने अदरक कद्दूकस कर रखा है, इससे मूली के पराठे में टेस्ट आएगा। हम डालेंगे मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी, आधी चम्मच से भी कम, और थोड़ा हम गरम मसाला और ये धनिया पाउडर मिक्स करके डालेंगे। और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हम कम डालेंगे, इसमें हमने हरी मिर्ची डाली है। तो सारे इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मैं ऐसे ही मूली से बना रही हूँ। आप इसको फ्राई भी कर सकते हो, फ्राई करके भी पराठे बना सकते हो। मैं ऐसे ही बना रही हूँ बिना फ्राई करे, क्योंकि ऐसे भी टेस्टी पराठे बनते हैं। इसके भी फ्राई से ज़्यादा ऐसे में कच्चे में ज़्यादा टेस्टी आता है पराठे में। अभी हमने नमक नहीं मिला रखा है इसमें, क्योंकि मूली जल्दी से पानी छोड़ देता है। नमक हम तभी मिलाएंगे जब पराठा बनाने, एक एक पराठे बनाने शुरू करेंगे, उतने ही मसाले में हम नमक मिलाएंगे। सारे में ऐसे ही नहीं मिलाना है, नहीं तो पानी छोड़ देगा, पराठे बनेंगे नहीं आपके। तो इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो मसाला हमारा अच्छे से मिल गया है, अब हम करते हैं पराठा बनाने शुरू। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा अजवाइन, टेस्टी के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। और वैसे भी अजवाइन गर्म होता है, मूली के पराठे गर्म ही होते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा ही मिलाया है। तो चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस जला लेते हैं, क्योंकि तब तक हमारा तवा गर्म होएगा। और हम मार लेते हैं कपड़ा। तो हम बना लेते हैं पराठे के लिए गोले, आटे का गोला, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ का बनाना है, इतना ही इस साइज़ का। तो इस तरीके से बनाना है। अब हम जितना पराठे के वो बनाएंगे उतने ही में हम नमक मिलाएंगे, नहीं तो पानी छोड़ देता है मूली जल्दी से। तो पराठे में हमने जितना ही मसाला भरना है उतने ही में हम नमक मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिलाना है, जितना आप नमक स्वादिष्ट जितना मिलाना है, एक एक पराठे करके बनाते रहेंगे और नमक मिलाते रहेंगे। तो इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा पराठा बनेगा आपका। तो ऐसे करके हम भरेंगे। क्योंकि कितने लोग नहीं बना पाते मूली के पराठे, ये मूली जल्दी से पानी छोड़ देता है ना। फ्राई भी करोगे आप तब भी ये हल्का गीला ही रहता है। इस तरीके से पराठे बनाना है। तो हल्के हाथों से बेलना है ये, इस तरीके से बनाओगे तो पराठा फटेगा भी नहीं, अच्छा बनेगा। अच्छे से पराठा बेल दिया है,
खट्टा भी नहीं है। देखिए ये देखिए बहुत अच्छा पराठा बना है। तवे में हम हल्का तेल लगा लेंगे। तो अब हम डालते हैं इसमें पराठा। देखिए बहुत अच्छा पराठा बना है हमारा। तो जब तक हमारा ये पराठा लग रहा है, हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमने फिर से जितना पराठे के हिसाब से हमने मसाले में नमक मिलाना है। तो इसमें हम हल्का हल्का तेल लगा लेंगे। आप घी में भी बना सकते हो, मैं रिफाइंड में बना रही हूँ। तो इसी तरह से करना है। तो देखिए हमारा बहुत अच्छा पराठा बन गया है, करारे करारे। देखिए क्रिस्पी पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। पराठा हमारा बन के तैयार, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे पराठों को बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, अच्छा से बन जाता है मूली के पराठे भी। ये देखिए ये भी हमारा अच्छा से बन गया है। तो इसको भी हम ऐसे हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो ये पराठा भी हमारा अच्छे से बेल गया है, देखिए फटा भी नहीं। तो इसको भी हम तवे में डाल देते हैं। तो इसी तरह हम सारे पराठे बनाते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। पराठे हमारे बन के तैयार हो गए हैं सारे मूली के। देखिए बहुत अच्छा अच्छा पराठे हमारे फूले फूले बने हैं। तो मूली के पराठे बन के हमारे तैयार हो गए हैं। और इसमें हमने धनिया की चटनी है, ये आम का अचार है। तो देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे बने हैं, आपको तोड़ के दिखाते हैं कैसे हमारे पराठे बने हैं। तो देखिए हमारे कितने अच्छे पराठे भरे बने हैं मूली के। देखिए ऐसे इसी तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें, एक बार खाएं। तो देखिए धनिया के चटनी के साथ बहुत टेस्टी पराठे होते हैं, और इस तरीके से एक बार ज़रूर खा के देखें, बहुत टेस्टी बना है। चटनी और पराठे देख के मुँह में पानी आ रहा है। अच्छी लगी आपको मेरी रेसिपी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।